वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड सिक्योर होंगे। एंड आज के ज़माने में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी सिक्योर एंड प्रोटेक्ट करना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर अवर सोशल मीडिया अकाउंट्स। हम हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप एंड इवन जीमेल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड हैव अ फन। सो मैंने इस पूरे वीडियो को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है एंड हर एक स्टेप में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ये स्टेप फॉलो करके कैसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को सिक्योर कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज पासवर्ड। हमारे पासवर्ड को स्ट्रांग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पासवर्ड में आपका नाम लिख के 123 नहीं लिख सकते। आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई भी इजीली वो गैस कर सकता है। सो आपके पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, अल्फाबेटिक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब कुछ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रांग बन सकता है। सो मेक श्योर कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो एंड प्लीज़ किसी के भी साथ आपका पासवर्ड शेयर मत कीजिए। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर पासवर्ड ट्वाइस इन अ मंथ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे पासवर्ड को चेंज करते रहे एंड मेक श्योर कि हर एक एप्लीकेशन का पासवर्ड भी अलग हो। यस, आई नो कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एंड सबके लिए अलग अलग पासवर्ड याद रखना बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन जो भी आपका मेन अकाउंट है, लाइक आपका जीमेल है या फिर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, उसका पासवर्ड अलग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर पासवर्ड इज़ स्ट्रांग एंड चेंज योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली। अभी सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि आपका अकाउंट कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है, लाइक आपका व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है, वो आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपने किसी काम के लिए किसी और के डिवाइस में लॉगिन किया हो और फिर आप लॉगआउट करना भूल गए हो, या फिर आपने व्हाट्सअप वेब यूज़ किया हो और फिर आप लॉगआउट करना भूल गए हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले चेक करो कि आपका अकाउंट कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है। और इसे चेक करना बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है। एंड अगर आपको लगे कि ये डिवाइस में मेरा अकाउंट नहीं होना चाहिए तो आप इजीली उसे लॉगआउट भी कर सकते हो। सो अभी मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन करके दिखाती हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है। और ये सेम आप यूट्यूब में भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो एंड जीमेल में भी कर सकते हो। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक कीजिए, देन सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन एक्टिविटी, उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है। सपोज़ मेरा यहाँ पे है सूरत गुजरात एंड टोरंटो ऑन्टेरियो। सपोज़ मैं टोरंटो से अपना अकाउंट लॉग आउट करती हूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकती हूँ। सो इसी तरह बहुत ही इजीली आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है और आप चाहो तो इजीली लॉग आउट भी कर सकते हो। सो चेक इट आउट। सो और थर्ड स्टेप इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। आपके अकाउंट में ये फीचर ऑन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक किसी को आपका पासवर्ड गलती से भी पता चल गया, फिर भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकेगा अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया है तो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आप ऑन कर दीजिए। इसमें क्या होता है कि जब आप आपके अकाउंट में लॉगिन करते हो तो पासवर्ड के साथ वेरिफिकेशन कोड भी चाहिए होता है। अगर ये दोनों चीज़ है तो ही आप आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। एंड किसी को गलती से आपका पासवर्ड पता चल भी गया तो भी वो बंदा आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप अपने वेरिफिकेशन कोड के लिए जीमेल का यूज़ कर सकते हो, आपके फ़ोन नंबर का यूज़ कर सकते हो और वो दोनों चीज़ आपके पास ही होती है। तो ये फीचर का यूज़ करके आप आपके अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इंस्टाग्राम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो प्लीज़ कर देना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए इंस्टाग्राम में लॉगिन कीजिए, फिर यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक कीजिए, देन सेटिंग्स, देन सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप से अपना ऑथेंटिकेशन ऑन किया है। आप चाहो तो अलग से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल की ऑथेंटिकेशन ऐप आती है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस से भी आप ये वेरीफाइड कर सकते हो। आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उस पर आपका वेरीफिकेशन कोड आएगा एट द टाइम ऑफ लॉगिन इनटू योर अकाउंट। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और आप ऐसे ही यूट्यूब पे भी ऑन कर सकते हो, फेसबुक पे भी ऑन कर सकते हो और जीमेल पे भी ऑन कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप सारी एप्लीकेशंस में ये ऑन कर दो तो आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा।
सो ये तीन बहुत ही बेसिक स्टेप है आपके सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आपको वन क्लिक में सब कुछ हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ये ऑन कर देना, जिससे बहुत बड़े डैमेजेस से बच सकते हो, हैकर से बच सकते हो। सो प्लीज डू इट राइट नाउ। हम सबको सोशल मीडिया यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन इसे सिक्योर करना भी इतना ही ज्यादा जरूरी है। सो मैंने जो आपको तीन स्टेप बताया है वो फॉलो करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, अगर आपको पसंद आया है, देन प्लीज लाइक इट एंड आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, जिससे वो भी उनका अकाउंट सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।